ये जो डेथ हुई है ये जानवरों की आपसी फाइटिंग की डेथ, और ये सामान्य बात है, चाहे टाइगर हो, लेपर्ड हो, जितने भी जंगली जानवर हैं, इनमें आपसी जंग एरिया को लेकर के होती रहती है। अभी जो मोटी मोटी प्राथमिक जानकारी आई थी कि दो चीते लड़े, एक जो उनमें फीमेल थी, दो मेल थे, और उस कारण से वो इंजर्ड हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, जिसके बाद जहां पर भारत में एक की संख्या, मतलब एक भी संख्या चीतों की नहीं थी, वहीं बढ़कर 20 हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे करके एक एक चीता मरता गया और अब तक लगभग 5 चीते मर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में दोबारा आने के बाद से भारत में 3 वयस्क चीतों की मौत हो गई है। इनमें एक मादा चीता शेष भी शामिल है, जिसकी गुर्दे में जटिलताओं के कारण 27 मार्च को मृत्यु हो गई। उसके बाद नर चीता उदय की 24 अप्रैल को हृदय गति रुक जाने के चक्कर में मृत्यु हो गई। 9 मई को दक्ष नामक एक अन्य मादा चीते की संभोग के दौरान दूसरे से लड़ाई के कारण मौत हो गई। इस तरह लगभग 5 चीते अब तक मर चुके हैं और संख्या घटकर 15 रह गई। इसी बीच मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों और शावकों की मौत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा और निगरानी अब ये 11 सदस्यीय समिति करेगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों की मौत के बाद ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की अध्यक्षता वाली समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से कूनो में 8 चीतों को छोड़ा था। इस तरह 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को और छोड़ दिया गया। केएनपी में लगभग 2 महीने में 3 वयस्क चीते और नामीबिया की मादा चीता ज्वाला के 4 शवकों में से 3 की मौत हो गई है, जिसके कारण कई विशेषज्ञों ने आवास और वन्यजीव प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इसको लेकर 29 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान व्यवस्थाओं, जरूरतों और कमियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी केएनपी में जन्मे 4थे चीता शावक की हालत स्थिर है। एक वन अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। केएनपी के निदेशक उत्तम शर्मा ने कहा कि 4थे चीता शावक की हालत स्थिर है। खैर, अब देखना ये होगा कि ये समिति पुनर्वास के लिए क्या निर्णय लेती है और क्या अब बचे कुचे चीते हमारे देश में जीने योग्य बन पाएंगे और ऐसे हालात उसको मिल पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।